वेलकम टू लेसन नंबर 88 टेक अ क्विज डिस्क्रिप्शन. आई एम मंजू और यू आर वाचिंग इजी फ्री एजुकेशन. सो दोस्तों, आज आपके मन में कुछ डाउट होगा कि ये कैसा लेसन है, इसमें क्या करना है. तो दोस्तों, एसपीए में जो क्विजेस होते हैं उनसे रिलेटेड है. आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, वो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. ऑफलाइन की भी मैंने बताया और ऑनलाइन कैसे टेस्ट देते हैं उसमें भी वीडियो है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगे. तो आपको थोड़े हिंट मिल जाएंगे कि कैसे क्विज और टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं. ओके दोस्तों, चलिए. और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 88 टेक अ क्विज. ओके, क्विज ये है दोस्तों. डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा लेवल 1 ग्रेड. तो दोस्तों, आपने अभी तक एफएम में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं. वो चीज़ें सिखाता है तो आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं वो बताता है. रीडिंग एज अ रीडिंग, रीडिंग ए टू. ओके, रीडिंग ए टू में क्या आपने कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट सिंपल टेस्ट कंटेनिंग फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड एंड फ्रेजेस. क्या आप ये यूज़ करने लगे तो इस पर एज अ टिक करोगे आप. ओके, और अगर आप नहीं करते हो तो उस पर क्रॉस करोगे. ऐसे ही आपको सारे रीडिंग लिसनिंग के करने हैं. और कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट एंड सिंपल ईमेल लेटर. क्या आपने ईमेल लेटर सीखा है कैसे करते हैं. ओके, कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमिलियर पर्सन प्लेस एंड थिंग. क्या आप पर्सन प्लेसेस को डिस्क्राइब करना सीख गए हो, उनके बारे में बताना सीख गए हो. ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. तो बस दोस्तों, आपको इस पर टिक मार्क करना है कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं, उनको फॉलो कर रहे हो, कि आपने डेली लाइफ में आप उनको यूज़ करने लग गए हो या नहीं. तो उस पर टिक और क्रॉस पर उसके पीछे एज अ ऐसे क्रॉस कर देना, एज अ टिक कर देना. ठीक है दोस्तों, चलिए. मैं अगर पूरा पढ़ने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों. ठीक है, अब आ जाते हैं लिसनिंग पे. कैन यू फॉलो दैट. Can understand simple information and question about themselves, family, people, home, work and hobbies. Okay, क्या इन आप चीज़ों को फॉलो करने लगे हो लिसनिंग में आप केयरफुली. Can understand short simple conversation using high frequency word and phrases. क्या आपको ये frequency words एंड फ्रेजेस समझ आने लग गए हैं जब भी आप किसी से बात करते हो, सुनते हो कुछ, कोई कुछ बोलता है. अगर हाँ तो यस और नो पे टिक करें, यानी यस और नो या टिक एंड क्रॉस करिएगा. ठीक है, चलिए आ जाते हैं स्पीकिंग पे दोस्तों. स्पीकिंग कैन कम्युनिकेट सिंपल एंड रूटीन टास्क रिक्वायरिंग अ सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फैमिलियर टॉपिक्स. क्या आप कम्युनिकेशन करते हुए किसी भी टॉपिक पे फॉलो कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, तो टिक और क्रॉस कर सकते हो इसके आगे. और कैन हैंडल शॉर्ट सोशल एक्सचेंज इवन टफ कैन नॉट सस्टेन द कन्वर्सेशन और डेवलप इट. क्या आप इसको फॉलो करने लगे हो. कैन यूज अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स अबाउट फैमिली लिविंग कंडीशन एजुकेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड करंट पास्ट जॉब. क्या आप अच्छे से फ्रेजेस यूज करने लग गए हो अपनी पर्सनल वर्क प्लेस डे टू डे लाइफ में बोलते हुए. तो अगर हाँ तो ये टिक और क्रॉस कर सकते हो आप सेंटेंसेस के पीछे. अब आ जाए रिटर्न में दोस्तों. रिटर्न में कैन राइट शॉर्ट सिंपल नोट्स एंड मैसेज रिलेटिंग टू मैटर ऑफ इमिटेड नीड्स. सो आप यस और नो पे कर सकते हैं टिक मार्क. ओके, कैन राइट सिंपल पर्सनल लेटर विद अ शॉर्ट मैसेज. क्या आप सिंपल लेटर और शॉर्ट मैसेज इंग्लिश में लिखने लग गए हो, तो यस और क्रॉस पे कर सकते हो. कैन लिंक सीरीज ऑफ सिंपल फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज विद सिंपल कनेक्टर लाइक एंड और बिकॉज. क्या आप लाइक
एंड और बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, करने लगे हो डे टू डे लाइफ में कनेक्टर वर्ड से, तो यस और क्रॉस पे टिक मार्क लगा सकते हो उसके पीछे दोस्तों. ओके, कैन डिस्क्राइब फैमिली एक्टिविटीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस यूजिंग प्रेजेंट टेंस. क्या आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट टेंस का यूज़ करने लगे, उसको समझने लग गए हो? अगर हाँ तो यस टिक कीजिए, अगर नो तो क्रॉस पे टिक कीजिए. ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं अदर पे. अदर पे दोस्तों आपके आगे कीबोर्डिंग यूज़ ऑफ हैंड स्पैम ऑफ टाइपिंग. क्या आप सही से टाइपिंग करने लग गए हो दोस्तों? मैंने टाइपिंग पे भी वीडियो बनाई है, हाउ टू टाइप करेक्टली, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो. ईजी वे में फिंगर को कौन से बटन पे, ए बी सी फंक्शन की पे कौन सी फिंगर्स जानी चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो. ठीक है, रीडिंग प्रोग्राम हैविंग रीड वन लाइब्रेरी बुक. क्या आप बुक रीड करने लग गए हो सही से, तो उस पर टिक मार्क करना है. ओके सो दोस्तों, आई होप ये आपको टिक का क्विज थोड़ा समझ आया होगा. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कीजिए पर्सन टू पर्सन, सो दे कैन यूज दिस वीडियो ऑन गिव देयर इफेक्ट ऑफ देयर लाइफ. सो दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं चलती हूँ न्यू वीडियो के लिए, तब तक लेटा टाटा बाय.